हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो सब में पहले आपको बता दूं गाइस कि आज हम जा रहे हैं साल बर्डी के लिए। सो मैं उठ गई थी 4:30 बजे से, तो मुझे बज गई है अभी 6 निकलते निकलते। और हमारी गाड़ी एक जगह रुका दिए थे और फिर उसके बाद में हम सब लेडीज एक जगह सब इकट्ठा हुए और फिर उसके बाद में हम वहां से निकलेंगे। हमने ऐसे डिसाइड किया था कि अभी सावन महीना स्टार्ट हो गया तो फिर हम भगवान के दर्शन भी करेंगे और एक साथ हमारा मिलना जुलना भी, क्योंकि एक दिन भर साथ में रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता वैसे। तो ऐसे टूर निकाल के हम हमारा टाइम स्पेंड करते हैं सभी फ्रेंड्स हमारे जो भी है। मुझे भावेश छोड़ के जा रहा है अभी, और अभी बच चुकी थी 7, तो 7:15 बजे हम यहाँ से निकले। अभी 7:15 मिनट हो गए हम यहाँ से निकल गए। सो गाइज, अभी ये जो इंजॉयमेंट आपको दिख रहा है, सो ये इतना इजीली नहीं मिला है हमको। इसके लिए 15 दिन पहले से हमारी थी प्लानिंग और फिर जैसे तैसे मुश्किलों से बनी है ये एक हमारी ट्रिप। तो दिन भर साथ में रहना और इंजॉयमेंट करना, खुद को स्पेस देना, ये हमारा एक अलग ही वो रहता है कि हम साल में एक बार कम से कम, उसमें भी दो दो तीन तीन जो हमने डिसाइड किए थे कि हम दो तीन ये चीजें कर लेंगे, जैसे कि हमारे दो तीन जगह जाना भी होना चाहिए और फिर उसके बाद हमारा प्लस इंजॉयमेंट, और है ना, दो तीन चीजें एक साथ थी। तो आज ना हम जाने वाले हैं सालबर्डी और फिर उसके बाद में हम जाएंगे शिम्बोरा डैम। तो शिम्बोरा डैम यहाँ से नजदीक ही था और फिर उसके बाद में आते आते हम जाएंगे माता जी के मंदिर। ऐसा हमारा प्लानिंग था। यानी ये प्लानिंग के लिए आप सोच सकते हो कि यानी कितना टाइम लगा होगा, और क्योंकि इतनी लेडीज थी तो फिर अलग से प्रॉब्लम भी हमको ध्यान में रखनी थी कि ये भी नहीं होना चाहिए, सबका सब अच्छे से होना चाहिए। और फिर इनके पीछे की जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी सब सॉर्ट आउट करके हमको जाना था। इतना बड़ा प्लानिंग करके फिर हमको थोड़ा सा स्पेस मिला है जो अभी हम साथ में निकले हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना गाइस, क्योंकि ना अभी का मौसम इतना प्यारा है, क्या ही बताऊं मैं आपको। और बच्चों की तो ऐसा था कि बच्चों के साथ जाना ना होता है, लेकिन एक फैमिली के साथ जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, ये बहुत चीजें अलग होती है। जब हम ऐसे जाते हैं ना, जब भी हमको वो चीजें पता चलती है। चलिए, आज का दिन हम अच्छे से इंजॉय करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। गाइस, प्लीज ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। गाइज, ऐसा नहीं था कि हमको टाइम नहीं मिलता है या हम कहीं जाते नहीं है या हम मिलते नहीं है फ्रेंड्स के साथ में, वो बात अलग होती है जो हम डेली मिलते हैं। लेकिन एक गड़बड़ी होती है क्योंकि सवेरे हमको जल्दी जाना होता है, जल्दी आना होता है, सबके पीछे टेंशन होती है क्योंकि घर की भी बहुत टेंशन होती है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत बेस्ट वाला दिन है आज का, फुल एंजॉय करेंगे हम सब साथ जा रहे हैं। तो अभी हम रुक गए हैं एक पॉइंट पे जो हम नाश्ता और चाय करेंगे। यहाँ पे चाय पी लिए है तो ये आप देख सकते हो कितना प्यारा नजारा लग रहा है ना। अभी तो हम बस एंटर ही कर रहे हैं वहां पर, अच्छा लग रहा था। ट्रिप में जो ज्यादा इंजॉयमेंट वो था कि साथ में भी थे, और प्लस पॉइंट ये था कि हम नजारे भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। मैं हमेशा लेडीज को बोलती हूँ कि खुद के लिए ना एक टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, हमारा ना पॉइंट आ ही चुका है जहां से हमको अभी पैदल जाना पड़ेगा। तो ये जो मंदिर दिख रहा है ना, इसके आगे से थोड़ा सा आगे जाने के बाद में हमको ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर देंगे और फिर हमको वहां से जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ना वहां से अच्छा ही दूर था मेरे हिसाब से। तो मैं तो यानी जो चली हूँ तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुझे दूरी लगा, लेकिन ठीक है। अभी मुझे पता नहीं था कि वहां से जाना है कि कहीं और से भी रास्ता था, लेकिन उन्होंने जहां छोड़ दिया हम वहीं से फिर पैदल निकल गए। सो गाइज, अभी हमको ना 10 बज गई है और अभी हम पहुंच गए हैं सालबर्डी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, चढ़ाई करने वाले हैं। चलिए अब आपको भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे दुकानें वगैरह सब है, नारियल फूल सब सब बेलपत्री वगैरह सब मिलेगा।
सो गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ बेलपत्री वगैरह नारियल जो भी लेना है तो यही से, यही नहीं है, इसके आगे भी और दुकानें हैं, क्योंकि उधर से जो दूसरा रास्ता था जो पुल के पास का, तो वहां पे भी दुकानें बहुत सारी थी और ऊपर भी दुकान थी, क्योंकि यहाँ से बोझा लेकर जाना से बेटर था कि ऊपर ले लो। तो दो चार लोगों ने यहाँ से ले लिए थे और बाकी के लोगों ने ऊपर ले लिया था। तो कीचड़ थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था, क्योंकि अभी बारिश चल रही है, लेकिन इतनी बारिश नहीं है कि जितना बहुत ज्यादा वो हो। तो हम जाते से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि हम निकले थोड़े 10 बजे पहुंच गए थे, तो जल्दी हो गया था हमारा, तो दर्शन 1-1.5 घंटे में हमारा ऊपर चढ़ना हो गया और फिर उसके बाद में हमने दर्शन करे। तो ये रास्ता मुझे सोचा नहीं था, उतना हार्ड लगा नहीं मुझे, नहीं पहले ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगी, लेकिन सबके साथ में थी तो आराम से मैं चढ़ गई। नहीं तो अभी मुझे ये भी हो सकता है, ये भी डीएम आ सकता है कि दीदी आपसे तो होती नहीं है चीजें, और फिर आप ये कैसे कर सकते हो और कैसे जा रहे हो आप। और मुझे एक डीएम ये भी आया था कि मैंने साड़ी कहाँ से ली है, तो मैंने साड़ी ऑनलाइन नहीं खरीदी थी, वो मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, क्योंकि ना अभी हो ऐसा रहा है कि जो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं थी और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सिर्फ वो मैं घर में ही पहनती हूँ कि वो बाहर नहीं पहन रही हूँ मैं जितनी, यानी ऐसा लगता है कि चलो अभी वीडियो के लिए मैं उसको वेयर कर रही हूँ, नहीं तो मुझे वो साड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी वो अच्छी दिख रही है उसमें वीडियोज में, वैसे पर्सनली मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं है, तो मुझे पूछा था, मैं इसके लिए बता रही हूँ। सो इसके बता रही हूँ गाइस आपको कि आप ये बोल सकते हो। आते से ही बारिश चालू हो गई है, अभी देखो अभी बस इंटर ही हुए, ये पीछे से आ रहे हैं हमारे। और यहाँ आते से ना इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ आपको। अभी इस वीडियो में तो मैं ये बता नहीं सकती या फील करवा नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना प्यारा ना मैं क्या ही है, मैंने शब्दों में बताने के लिए मुझे वो नहीं है, क्योंकि ना जब हम जाते हैं जब भी वो फील कर सकते हैं, तो मैं ये वीडियोस में कितना भी बता दूंगी आपको तो वो नहीं समझ सकते हो आप। सो गाइज हम निकल गए हैं वहां से, क्योंकि हम पहले तो वहां, और बारिश शुरू हो गई थी जब हम बस इंटर ही हुए, वो जहाँ रिवर में से जाने का रास्ता था वहां इंटर ही हुए, तो बस बारिश शुरू हो गई। सो एक अंकल ने हमको थोड़ा सा बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा डेंजर काम है, क्योंकि दोनों तरफ से नदियां है और बीच में से एक पुल था, तो वहां से उन्होंने बता दिया था, क्योंकि हम सब लेडीज ही थी, तो उन्होंने हमको पहले ही वॉर्न कर दिया कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो आप जाना मत आगे। गाइज हमने ना रेस्ट ले लिए, थोड़ी देर में रेस्ट लिए हमने, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़ी यानी ऊंची पहाड़ी है और जाने के लिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। अभी देखो कब तक जाते हैं। सब थोड़े से डर भी गए थे, लेकिन फिर ऐसा तो था कि चले गए हैं तो फिर अब जाके दर्शन तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि ना जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दर्शन करके वापस आ जाए, बाद में जो भी हो चाहे। तो एक वो था टारगेट कि जल्दी जाना है और जल्दी रिटर्न आना है, क्योंकि बारिश का जो हमने वो देखा था मौसम का, तो मौसम भी वही बताया था कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो सकती है, लेकिन हुई नहीं, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आप जो ये देख रहे हो रास्ता, तो इसी तरीके का रास्ता है, तो पहले थोड़ी सी पायरिया है जो भी मैंने बताई थी आपको, और उसके बाद में ऐसा ही चढ़ाव है, तो इतना हार्ड नहीं गया जितना कि लग रहा था। और बहुत से वीडियोस मैंने खुद से भी देखे थे पहले जाने के कि मुझे क्या दिक्कत हो सकती है वहां पे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं। हालांकि उसके बाद में आने के बाद में आराम ही कर रही हूँ, कहीं जाना आना बंद हो गया मेरा, सिर्फ गार्डन गई थी 1 दिन के लिए और दूसरे अभी तो आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ मैं। सो गाइज हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ गुफा के पास, तो ये जा रही हूँ मैं अंदर, इंटर कर रही हूँ, तो 3-4 लोग साथ में जा सकते हैं, इतनी बड़ी गुफा है, तो अभी हम तो एक एक ही जा रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं है, हम ही 3-4 लोग थे, तो दो दो लोग तो आराम से इसमें जा सकते हैं, स्पेस अंदर बहुत ज्यादा थी। तो हम भगवान का नाम लेते हुए सभी लेडीज, और इतना अच्छा लग रहा था ना जब गुफा में हम गए, तो आप ये गुफा देख सकते हो अंदर, ये देखिए यहाँ भगवान है और यहाँ अभिषेक होता है, 101 रुपया लेकर अभिषेक किया जाता है, लेकिन मैं जब शर्मा जी के साथ जाऊंगी जब ही यहाँ अभिषेक करूंगी, क्योंकि अभिषेक साथ में किया जाता है भगवान का इसके लिए। वैसे तो मैं कर लेती लेकिन अभी मुझे ठीक नहीं लगा करना, इसके लिए मैंने नहीं किया।
सो हमने दर्शन किया और फिर वहां से हम निकल मेरे। रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है ये निकलने का रास्ता अलग से है और जो उतरने का था मैंने वो भी अलग से बताया। तो गुफा बहुत बड़ी है, अंदर से ऐसा लग रहा था कि छोटी गुफा होंगी, जाने में दिक्कत हो सकती है ऐसा भी कुछ लगा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी गए और बहुत ईजी आए। तो बाहर से ऊपर जब हम जाते हैं ना तो पूरी थकान मिट जाती है क्योंकि ऊपर का नजारा ही वैसा है। तो मैं वापस रिटर्न आई और मैं बता रही हूँ कि यहाँ से मैं निकली थी और ये बड़े बड़े जो है पत्थर वगैरह ये पूरे उसमें ही बनी हुई है गुफा। और बाबा का गंगा जल से वहाँ अभिषेक भी होता है, जहाँ गुप्त गंगा है जो भगवान का अभिषेक होते रहता है वहां पर। सो गाइज ये नज़ारे देख सकते हो, इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, क्या ही। अभी मैंने इसके पहले भी बोला आपको कि मैं शब्दों में ये चीजें नहीं बता सकती हूँ जो फील करने के लिए। और ये मौसम ऐसा है कि ये अच्छा ही लगता है। सो यहाँ पर सब जूस वगैरह ले रहे थे लेकिन मुझे गन्ने का जूस नहीं चलता है जैसे, इसके लिए मैंने नहीं लिया। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं तो घर अभी के। हम ना रिटर्न जा रहे हैं, अभी बज गई है 12:30। सो 1.5 घंटे में हमारा दर्शन हो चुका है और अभी नीचे जा रहे हैं हम। सो यहाँ की पायरिया वगैरह सब बता दी मैंने आपको, निकल रहे हैं अभी हम। सॉरी घर के लिए नहीं, अभी हम जा रहे हैं डैम के लिए, निकल रहे हैं हम। जैसे नीचे उतर गए और फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली चले गए क्योंकि सवेरे ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया था हमने तो इतनी भूख लगी नहीं थी। और मौसम ऐसा है कि अभी भूख लगने की कोई चांस ही नहीं थे, और ऊपर भी चढ़े थे तो इन्होंने जूस वगैरह लिया था तो इतना कुछ लगा नहीं था हमको। वैसे लग रहा था कि अभी खाना खा लेना चाहिए लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि टाइम भी कवर करना था। हमारी फोटोज वगैरह जब भी, अभी इतनी लेडीज थी तो ये तो बनती है फोटोज वगैरह, तो हमको थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो हम चले जा रहे हैं अभी डैम के तो पास। गाइज हम अभी आए हैं शिंबोरा धरन, तो ये देखिए पीछे में अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो गाइज डैम में कुछ भी पानी नहीं था तो एक आध महीना लगेगा डैम में पानी आने के लिए क्योंकि अभी जिधर साइड से डैम में पानी आता है वहां पानी बिल्कुल, बारिश थी ही नहीं। और वहां से हम निकल गए, जैसे तुरंत ही निकल गए क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। सो हम गए फिर अम्बा माता मंदिर और फिर उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स के दीदी के यहाँ जाकर वहां से हम निकल गए घर के लिए। सो आज का ब्लॉग अब यही तक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएंगी इसके लिए आपको नहीं बता रही हूँ। आने के टाइम बैटरी डाउन हो गई थी पूरे तरीके से। सो गाइज आज का ब्लॉग में अब यही एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब।